दोस्तों, क्रिकेट में हार जीत का होना स्वाभाविक है। इसमें एक टीम या तो जीतती है या फिर हारती है, ये बात हर खिलाड़ी को पता होती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हार का सामना नहीं करना चाहते, इसलिए वो हार से बचने के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं जो क्रिकेट जैसे खेल में अनुचित माना जाता है, और इसके लिए उन्हें क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दंडित भी किया जाता है। आज हम आपको ऐसे ही खिलाड़ी की गलती के बारे में बताने वाले हैं जिसने अपनी जीत के लिए इस खेल के सारे नियमों को तोड़ दिया। इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर थी। जॉन लीवर इंग्लैंड टीम में एक युवा और तेज गेंदबाज थे, लेकिन दुर्भाग्य से आज भी उन्हें अपनी गेंदों की गति और स्विंग के लिए नहीं बल्कि बैसलीन कांड के लिए याद किया जाता है। भारत में पहली बार आए इस गेंदबाज ने 26 विकेट लिए थे। इंग्लैंड ने सीरीज जीती थी और उसमें लीवर का महत्वपूर्ण रोल था। लीवर ने भारत के खिलाफ खेले 10 टेस्ट मैचों में 45 विकेट लिए। 1976-77 के भारत दौरे पर दिल्ली में उन्हें टेस्ट कैप भी मिली थी। भारत की बल्लेबाजी के दौरान 11वें ओवर तक सब ठीक चल रहा था। टीम इंडिया बिना विकेट खोए 43 रन बना चुकी थी। इसके बाद लीवर गेंद को स्विंग कराने लगे और भारत का स्कोर 4 विकेट पर 49 रन हो गया, यानी केवल 12 गेंदों में भारत ने 4 विकेट खो दिए। टीम का स्कोर 122 रन पर 7 विकेट हुआ। लीवर ने भारत की पहली पारी में 46 रन देकर 7 विकेट लिए। आज भी क्रिकेट फैंस को वो दौर याद है जब लीवर अपने माथे पर एक पट्टी बांधकर गेंदबाजी किया करते थे। मद्रास टेस्ट में भी लीवर गर्मी से बचने के लिए अपने माथे पर पट्टी बांध कर आए। यहां भी उन्होंने 59 रन पर 5 विकेट लिए। बाद में लीवर की पट्टी के नीचे वैसलीन पाई गई। वह वैसलीन लगाकर गेंद की चमक बनाए रखते थे और गेंद को ज्यादा स्विंग कराते थे। उस समय टीम इंडिया के कप्तान बिशन सिंह बेदी थे, उन्होंने ही सबसे पहले लीवर पर इस तरह के आरोप लगाए। बाद में इस मामले ने तूल पकड़ा और लीवर जब दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए तो उन पर 3 साल का प्रतिबंध लग गया। दरअसल गेंद से छेड़छाड़ एक समय तक स्वाभाविक और प्राकृतिक फिनोमेना रही, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज क्रिकेटर यह भली भांति जानता है कि चारों तरफ कैमरे लगे हैं, उनकी हर हरकत कैमरे में कैद हो रही है। बावजूद इसके गेंद से छेड़छाड़ का कोई तर्क समझ नहीं आता। क्या आधुनिक क्रिकेट में जीत ही सब कुछ हो चुकी है? क्या यह मान लिया जाए कि आज क्रिकेट जेंटलमैन गेम नहीं रहा? स्मिथ कांड तो यही इशारा कर रहा है। तो दोस्तों, क्या था स्मिथ कांड, इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए बने रहिए LA News के साथ। धन्यवाद।